नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जब आप विदेश में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार या मित्र को फोन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उस देश में अभी समय क्या हो रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें दोपहर में 2 बजे फोन करके पूछें कि आज लंच में क्या बना है और उधर से जवाब आए कि अभी हमारे यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे टाइम जोन के बारे में और पता लगाएंगे कि सभी देशों में अलग अलग समय क्यों होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। टाइम जोन को अच्छी तरह समझने के लिए आइए स्क्रीन पर देखते हैं। टाइम जोन क्या है? ये पृथ्वी का 3D मॉडल है और इस तरफ सूर्य है। पृथ्वी का ये आधा हिस्सा सूर्य की ओर है और इसीलिए यहां पर दिन है और इस आधे हिस्से पर रात है। आप ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी का पूरा एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है और रात के 12 बजे के समय को लगभग आधी रात माना जाता है। तो यहां रात के बिल्कुल बीच में 12 बजे का समय हो रहा है और इसी तरह यहाँ दिन के बिल्कुल सेंटर में दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं। और इस तरह हमने यहाँ 1 से 24 घंटे के समय को दिखाया है। पृथ्वी इस तरह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। यहाँ इस समय भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं और इस तरह आगे जाने पर अब भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं, अब 3 बज रहे हैं। इसी तरह समय चलता रहता है। आपने देखा कि भारत के आगे बढ़ जाने पर कोई दूसरा देश सूरज के सामने आ गया और इस देश में दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब यहां भारत में शाम हो रही है और इसी तरह यहां अमेरिका में सुबह होने जा रही है। तो आप सोचकर देखिए कि पूरी पृथ्वी पर सभी देशों में यदि एक जैसा ही समय होता तो क्या होता। हम भारत के लोग कहते कि अभी शाम के 6 बजे हैं, अमेरिका के लोग कहते कि सुबह के 6 बजे हैं और यूरोप के लोग कहते कि दोपहर के 6 बजे हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती और आपस में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता। टाइम जोन की शुरुआत तब की गई जब लोगों ने समझा कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत है। पहले हर जगह का अपना अपना टाइम होता था, इससे कम्युनिकेशन और ट्रबल में परेशानी होती थी। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इंग्लैंड के लंदन में यह तय किया गया कि पूरी पृथ्वी पर समय को मैनेज करने के लिए किसी एक जगह पर समय सेट किया जाए और बाकी सभी जगहों के टाइम को उस मेन टाइम के रेफरेंस से मैनेज किया जाए। फिर 13 अक्टूबर 1984 को इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस ने ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन या जीरो मेरिडियन बनाया। इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीनविच क्या है। ग्रीनविच एक सिटी का नाम है। जी हाँ, इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच नाम का एक शहर है। अंग्रेजों ने दुनिया का नक्शा लिया और उस नक्शे पर लाइन खींचकर उसे 24 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। साथ ही उन्होंने ग्रीनविच नाम के इस शहर को बीच में रखते हुए इसे सबसे मेन पॉइंट बनाया और इस पूरे एरिया के लिए समय तय किया 0 और इसका नाम रखा ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT। इसके बाद के सभी एरियाज के लिए इन्होंने इस तरह नाम रखा +1, +2, +3, +4, +5, +6 आदि और इन सभी का नाम इस तरह रखा -1, -2, -3, -4, -5, -6 आदि। इस तरह नाम रखने का ये मतलब है कि इस पूरे जोन में जो भी समय हो रहा होगा उससे 1 घंटा ज़्यादा बजे होंगे यहाँ पर। यदि यहाँ पर सुबह के 7 बजे हैं तो यहाँ पर 1 घंटा ज़्यादा यानी 8 बजेंगे। इसी तरह यहाँ 2 घंटे ज़्यादा यानी 9 बज रहे होंगे, यहाँ 10, यहाँ 11 और इसी तरह ये आगे जाता जाएगा और इस तरफ एक एक घंटे कम होते जाएंगे।
यदि यहाँ सुबह के 7 बजे हैं, तो यहाँ 6 बज रहे होंगे, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, इसी तरह एक एक घंटा कम होता जाएगा। अब हम इन लाइंस को यहाँ पृथ्वी पर देखते हैं। ये वही लाइंस है जो आपने अभी नक्शे पर देखा था, और यहाँ हम इस ग्रीनविच को पीछे ले जाते हैं। ग्रीनविच अब यहाँ 0 के पास आ गया है, और यहाँ इस समय 0 यानी रात के 12 बज रहे हैं, और इस जगह पर रात के 1 बज रहे हैं। पृथ्वी के घूमने पर जब ग्रीनविच में सुबह के 6 बजेंगे, तब इस जगह पर सुबह के 7 बज रहे होंगे, और यहाँ पर 1 घंटा कम यानी सुबह के 5 बज रहे होंगे। अब आपको टाइम जोन के बारे में ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम इस वर्ल्ड मैप को देखकर कुछ और बातें भी जान लेते हैं। यहाँ देखने पर आपको लाइंस में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा होगा। सारी लाइनें सीधी सीधी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ ये लाइनें ठीक से सीधी चल रही हैं, इन सभी देशों ने टाइम जोन को ऐसे ही एक्सेप्ट किया है जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। पर जहाँ कहीं भी आपको लाइंस बदली हुई दिखाई दे रही हैं, वहां के देश ने अपने देश के समय को अपने हिसाब से थोड़ा बदल लिया है। जैसे आप यहाँ रूस को देखिए, रूस काफी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन हैं। यहाँ मॉस्को में +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ +7, यहाँ +9। देखा जाए तो रसिया में टोटल 11 टाइम जोन्स हैं। अब यहाँ चाइना में वैसे तो इन लाइंस के मुताबिक 5 टाइम जोन्स होने चाहिए, पर चाइना ने पूरे देश में सिर्फ एक ही टाइम जोन रखा हुआ है। भारत में भी नक्शे के हिसाब से 2 टाइम जोन होने चाहिए, पर भारत ने पूरे देश में 1 टाइम जोन और एक ही समय रखा है। भारत का टाइम जोन है +5.5। इसका मतलब है कि ग्रीनविच में चाहे जो भी समय हो रहा हो, भारत का समय उस समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहेगा, और इसे कहते हैं IST यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो इस तरह से कई देशों ने अपने अपने हिसाब से अपने देश के टाइम और टाइम जोन में थोड़ा बदलाव कर लिया है। ये सिस्टम समय के ग्लोबली कंसिस्टेंट इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद करता है, और साथ ही यात्रा, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को आसान बनाता है। तो इस तरह से टाइम जोन का कॉन्सेप्ट आया, और आज भी पूरी पृथ्वी पर इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने टाइम जोन के बारे में जाना, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और हमारे इन मोशन ग्राफिक्स और 3D मॉडल्स की मदद से आज आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस थैंक्स बटन पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ UPI की जानकारी भी दी गई है। साथ ही हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप हमसे सोशल मीडियाज पर भी जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।